और अब त्योहारों के इस मौसम में खो जाएंगे आप, लेकिन यह याद रहे, इस बात का ध्यान रहे कि खोने ना पाए आपके सपने, वो सपने जो देखे हैं आपने, ताकि आपके माँ बाप गर्व से कह सकें कि मेरे बच्चे ने कर दिखाया, और आप गर्व से कह सको कि मम्मी पापा मैंने कर दिखाया। इस बात को ध्यान रखना कि आप नहीं, आपका रिजल्ट बोलेगा, और वो लोग भी तालियां बजाएंगे, वो लोग भी शाबाशी देंगे जिन्होंने कभी कहा था, जिन्होंने कभी ताना मारा था कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि बड़े सपने बड़े सेक्रीफाइस मांगते हैं। एंड हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन फाइनल दिनों में, आखिरी के महीनों में, आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरी बात जानकारी समझ में आएगी, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और वो क्या रास्ता है, किस तरीके से आप इन बचे हुए तीन महीने ऐसे कैसी तैयारी करें, 3 महीने ऐसे करो तैयारी 95+ होने की, अब तुम्हारी बारी। और इस बात को ध्यान रखो कि आप सपने बहुत बड़े बड़े सजो लेते हैं, लेकिन उसको सपनों को करने के लिए, उन लक्ष्य को पाने के लिए उस हिसाब का संघर्ष भी चाहिए, उस हिसाब का हार्ड वर्क भी चाहिए, उस हिसाब की मेहनत भी चाहिए। आप हर एक संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। उस काम के बिना आप उस 2% टॉपर लिस्ट में कभी भी नहीं आ पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा कि बिना उस काम के आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो सोच रखा है वो कभी नहीं कर पाओगे। और वो एक काम कौन सा है जो टॉपर्स करते हैं लेकिन आप नहीं करते, स्टडी के समय होने वाली सबसे बड़ी गलती आपकी, जिसके कारण आप पीछे रह जाते हैं और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। और बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जो टॉपर करते हैं वो आप नहीं कर रहे होते हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ टॉपर्स लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, वो सिर्फ एक काम है। और यदि वो काम आप अभी से, आज ही से करना शुरू कर देते हैं, उस 2% टॉपर्स लिस्ट में आप भी आ जाएंगे। और वो गलती है रिवीजन की, रिवीजन टाइम से ना करना। आपको लगता है कि रिवीजन के लिए कोई स्पेशल टाइम आएगा, रिवीजन एक खास मौके पर किया जाएगा, या रिवीजन किसी खास त्योहार की तरह आने वाला एक समय होगा, और आप सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। रिवीजन कोई खास मौके पर आने वाला त्योहार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। यहां से आप कोई स्पेशल डेट नहीं निकालेंगे किसी कैलेंडर से, किसी पंचांग से, कि हमारे लिए एक खास मौका आएगा तब हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। मात्र और मात्र 3 महीने रह गए हैं, और इन 3 महीनों के लिए मैं कंप्लीट तैयारी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है, ताकि आप उस 2% टॉपर्स लिस्ट में आ पाओ। और इस बात का ध्यान रखें कि रिवीजन सिलेबस के साथ चलने वाली एक सतत क्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ आपको रिवीजन जरूर से जरूर करते जाना है, और जो भी इस बात को लेके चलता है वो टॉपर्स बन जाता है। उसके टॉपर्स बनने के 100% चांस रहते हैं कि यदि आप सिलेबस के साथ साथ अपना रिवीजन कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो रिवीजन अपना शुरू कर दीजिए, जो भी तैयार है, जैसा भी तैयार है, आप अपना सिलेबस तैयार करिए ही, उसके साथ हर एक चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है। और इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि यदि आप मात्र 2 चीजें कर लेते, मात्र 2 चीजें, और तीसरी चीज आपको टॉपर्स बना देगी। मात्र 2 चीजें आपको करनी है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करना है, और आपको PY2 लगाने हैं, पिछले साल की लास्ट ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं, PYQs लगाते हैं, और जो बात मैंने आपसे कही कि आपको टॉपर बना सकता है सिर्फ एक काम, और वो है 200% रिवीजन। PYQ एंड NCERT ये आपका सिलेबस हो जाता है, और यदि इस चीज का आप 200% रिवीजन कर ले जाते हैं, तो आपको रोक कोई नहीं सकता, आपको आपके सपने से, आपके लक्ष्य से पाने से कोई भी, किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएगा। बस ये काम आपको करना है। आप में से काफी लोग इस बात को सोच रहे होंगे, सर हमारा अभी भी बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो नहीं हो पाया है। तो इस बात को ध्यान रखें कि मैं आपको कंप्लीट करा के दे चुका हूं, इसीलिए आपको एनसीईआरटी एंड PYQs में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ये 200% रिवीजन को भी कर ले जाते हैं, आप फोड़ देंगे और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। बोर्ड एग्जाम
अब आपकी मुट्ठी में होंगे। और बोर्ड एग्जाम के इस युद्ध को पाने के लिए बस आखिरी काम, आखिरी कील वो है जो आपको करना रह गई है। बस इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जाइए कि आपने तीन चीजों को बांट लेना है। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल पढ़ लिए हैं, जिनमें आप 100% श्योर है, जिसको थोड़ा बहुत रह गया कि हाँ यार ये चीज अगर मैंने कंप्लीट कर ली, अगर मैंने इस चीज को कंप्लीट कर लिया तो मेरा वो चीज कंप्लीट हो जाएगा, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं किए। आज ही इसी समय आपको ये लिस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए बनानी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये लिस्ट बनाइए और तैयार कीजिए, और बचे हुए 3 महीने के अंदर सिलेबस के साथ साथ रिवीजन 200% रिवीजन को जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा, सिलेबस के अंतर्गत आप एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू रखेंगे और उसके साथ साथ 200% उस चीज का रिपीटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लिस्ट बनाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए, देखिए आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए देखिए कि आप इसमें किस किस चैप्टर्स को भर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कक्षा 12 गणित के लिए 13 आपके चैप्टर होते हैं, कक्षा 12 गणित में आपके 13 चैप्टर होते हैं, 13 चैप्टर्स में देखिए आपने कितना तैयार किया है। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करके दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर पूरे तैयार है, कौन कौन से ऐसे आपके चैप्टर हैं जो आपने पूरे तैयार किए हैं ये आपको पता होगा, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल लूं या कोई एक ऐसा टॉपिक तैयार कर लूं जिससे वो चैप्टर वो अध्याय कंप्लीटली तबाह हो जाए, पूरा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कौन से चैप्टर अभी भी रह गए हैं मेरे लिए जो मुझको शुरू से लेके आखिरी तक तैयार करने हैं, ऐसी लिस्ट बनाइए और 3 महीने में अपने आप को टारगेट दीजिए कि मैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू के साथ साथ 200% रिवीजन करूंगा। मात्र 3 महीने रह गए भैया मेरे प्यारो, और इन 3 महीनों के अंदर का हमको फोड़ना है, हमको वो करके दिखाना है जो किसी ने नहीं किया, हमको दशरथ मांझी बन के दिखाना है और पहाड़ से रास्ता निकाल देंगे, बोर्ड पेपर फोड़ के आएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ये लिस्ट बनाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपके 5 सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाइए और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। जल्द ही हम इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए इस बात का कि हमेशा पढ़ते रहो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो।